हेलो दोस्तों, स्टडीग्राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और नोटिफिकेशन के बारे में जो आई है कमीशन की तरफ से। एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर। हम कब जो है फॉर्म फिल होंगे, कब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, कब से फॉर्म जो है लास्ट डेट कब तक की है, एग्ज़ाम डेट कब की है, सारी डिटेल जो है, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कौन कितने टीयर्स होंगे, सारी जो डिटेल वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नोटिस आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको एसएससी बोलते हैं, उनकी तरफ से नोटिस आया। उसमें लिखा गया है सबसे पहले जो लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट जो बताई गई है जो है 29 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक। तो ये जो है ऑल फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, और एग्ज़ाम डेट जो है इसके अंदर अपने हैं जो टीयर वन की एग्ज़ाम डेट जो बताई गई है वो है 29 मई 2021 टू 7 जून 2021। मतलब इस बीच में जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके टीयर वन के, और जो टीयर टू एग्ज़ामिनेशन है वो अभी डिफाइंड नहीं किया गया है। मतलब कभी भी मतलब डेट आ जाएगी है। इसको आगे ओएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप एसएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे चेक करते रहिए। और अब बात करते हैं वैकेंसीज कितनी निकली है। वैकेंसीज जो निकली है वो 6506 जो है निकली है टोटल, ग्रुप बैंकिंग और सारी है, ग्रुप बी ए बी में दोनों में मिला के। ये कम है लेकिन शायद आगे आने वाले समय में और बढ़ जाए तो बढ़ भी जाए। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट जो है 32 से मैक्सिमम जो है 32 है ईयर, और मिनिमम जो है 18 ईयर है, और ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, आप ये भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइड पोस्ट। इसके अंदर दो पोस्ट जो बताई गई है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी डिग्री तो होनी चाहिए, और एक डिजाइनर पर क्वालिफिकेशन भी इनके साथ दी गई है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी वगैरह इस टाइप का कुछ अगर आपको होगा तो इस पोस्ट पे प्रीफर्ड किया जाएगा उन बंदों को जिनके पास जो है वो अकाउंटेंट वाले एमकॉम वगैरह कॉमर्स फील्ड से हो उनके लिए। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसके अंदर जो है डिग्री तो होनी चाहिए और साथ के साथ 12th के अंदर मैथमेटिक्स होने चाहिए और 60% से अबव आपके होने चाहिए उसमें, या फिर और के अंदर बैचलर ऑफ एनी सब्जेक्ट विद बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एट डिग्री लेवल। मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर ये चीज़ ना हो तो तब आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सब पोस्ट के लिए, सभी के लिए जो है आप ग्रेजुएट हैं, मतलब जिन्होंने भी डिग्री कंप्लीट कर ली है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी पोस्टों के लिए दो जो पोस्ट थी उनके लिए अलग से बताई गई है, उनके लिए अगर मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन प्रीफर्ड किया जाएगा उन बंदों को जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंट या स्टैटिकल वाला कोर्स कुछ किया हुआ हो। और इसके अंदर जो है, और ये एक चीज़ लिखी है, जो बंदे मतलब थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में हैं वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के लिए, जो सीजीएल वाला जो पोस्ट है उनके लिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। मतलब एक एसएससी वालों ने जो है हमेशा की तरह इस बार भी इसको 4 टीयर्स के अंदर बांटा हुआ है। पहले जो 2 टीयर है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, थर्ड जो टीयर है वो है पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, और जो फोर्थ है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी डाटा एंट्री स्किल्स। अब बात करते हैं टीयर वन के अंदर कौन कौन से पेपर होंगे आपके। टीयर वन के अंदर जो है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश कंपैरिजन होगा। जो प्रत्येक जो क्वेश्चन प्रत्येक जो पेपर में है ना 25-25 क्वेश्चन आएंगे, जो एक एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा, यानी टोटल 200 नंबर का टीयर वन होगा। उसके लिए आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और टीयर टू के अंदर भी ऐसा ही है, 4 पेपर होंगे। पहला जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, और जो थर्ड पेपर है स्टैटिस्टिकल स्टैटिक्स, वो जो है वो उन्हीं बंदों के लिए है जो जूनियर स्टैटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं। और जो चौथा पेपर है जनरल स्टडीज़, वो भी
तो ये थे टीयर वन एंड टीयर टू। इसके अंदर जो लिखा है टीयर वन और टीयर टू जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आएंगे टीयर वन एंड टीयर टू। और इसके अंदर टीयर वन जो है, टीयर वन के अंदर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, और टीयर टू में है ना जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी जो है कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनमें, बाकी जो पेपर जो है ऐसे ही है। अब बात करते हैं जो टायर थ्री है उसके लिए पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसके अंदर ऐसे राइटिंग वगैरह, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन वगैरह इस टाइप का होगा, ये एक घंटे का होगा, इसमें 100 मार्क्स होंगे। और जो लास्ट जो है टीयर फोर, उसके अंदर जो है कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट, स्पीड वगैरह इस टाइप का जो स्किल टेस्ट होगा, इसको अगर आप ये सारे जो तीनों टीयर क्लियर कर लेंगे तो आप टीयर फोर्थ में अगर क्लियर कर पाते तो आपकी जॉब लग जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो सिंपल है, फ़ी जो है 100 रुपीज़ है जनरल के लिए, बाकी जो SC ST उन सब के लिए फ्री है। और बाकी जो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप सीधा SSC.NIC.IN के ऊपर जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर जाके इसको आसानी से फिल कर सके। कुछ अप्लाई करते वक्त दो तीन बातें जो है आप ध्यान रखिएगा। जो पहली चीज़, लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2021 है, रात्रि 11:30 बजे तक लास्ट डेट है इसकी। और आपकी जो इमेज है ना, जो आप अपलोड करोगे वो जो है 3 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और आपकी इमेज पे जो है डेट ज़रूर होनी चाहिए। ये ज़रूर बात ध्यान रखिए आप, मतलब आपकी इमेज पे जो है डेट ज़रूर डली होनी चाहिए। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है, SSC वालों ने कहा है, आप जो है ना लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। लास्ट डेट पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से अगर आप फॉर्म फिल करने में असमर्थ होते हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर सर्वर पे लोड रहा और आप नहीं भर पाए तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप जल्दी से भर दीजिएगा अगर आपको बनना है, लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिएगा। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।